आगरा और दिल्ली की दूरी कम करने के लिए बनाया गया यमुना एक्सप्रेसवे हादसों का एक्सप्रेसवे बन गया है। वर्ष 2009 में बना यमुना एक्सप्रेसवे आगरा और नोएडा की दूरी चंद घंटों में तय करने में एक बेहतर एक्सप्रेसवे साबित हुआ, मगर एक्सप्रेसवे अथॉरिटी द्वारा हादसों को रोकने के लिए कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया। लगातार एक्सप्रेसवे पर हो रहे दर्दनाक हादसे सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर हादसों का कारण क्या है। जानकारियों की माने तो तेज रफ्तार हादसों का कारण बन रही है। शनिवार को शादी समारोह से लौट रहे दिल्ली निवासी मां बेटी की सुरी थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर कार पलटने के दौरान मौत हो गई, तो वहीं रविवार सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरी थाना क्षेत्र में माइलस्टोन 85 के समीप तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर पलट गई और रेलिंग तोड़ते हुए दूसरे रोड पर आकर पलट गई, जिसमें कार सवार दिल्ली निवासी जगदीश गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू कराया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जो नोएडा से आगरा की तरफ जा रही थी उसका जो एक्सीडेंट हो के और रॉन्ग साइड में आ गई। जीओ गाड़ी थी। तो ये गाड़ी जो जा रही थी वो किधर से किधर जा रही थी? ये जो है नोएडा से आगरा की तरफ जा रही थी दोनों ही गाड़ी। तो कोई इसमें बलेनो थी, इसमें कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई है? ना कैजुअलिटी कोई नहीं हुई, लेकिन चोटें तो आई हैं। वैसे क्या स्थिति है मौके पर? अब मौके पर अभी तो ये है कि वो उनको इंजेक्शन वगैरह दिलवा दिए हैं दर्द वर्द के, और वो जो जा रहे हैं एम्बुलेंस आ रही है, और ये गाड़ियाँ जो डैमेज हो गई हैं वो जो है उठा के ले जा रहे हैं सब सुरक्षाकर्मी।